इमरान साहब, ये जो बल्ले के निशान वाला मामला था जिस पर पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस कामरान का जो एक अहम फैसला आया और उन्होंने जो कलदम करार दिया था इंट्रा पार्टी इलेक्शन पीटीआई का, इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया और फिर बैट भी फिलहाल उनके पास वापस आ गया, तो इस फैसले के ऊपर आपकी क्या राय है? क्या ये सही फैसला नहीं था? और उस पर अब जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से रिएक्शन आ रहा है, उसको आप कैसे देखते हैं? जिनका कोई ताल्लुक भी नहीं है, मामला है इलेक्शन कमीशन और पीटीआई के माबेन, तो उनको इस किस चीज़ की प्रॉब्लम? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीना, मुझे ये बताएं, पहली बात तो ये है कि मान लिया कि मुस्लिम लीग नून का कोई उनसे ताल्लुक नहीं है, इलेक्शन कमीशन और पीटीआई वो जाने दोनों, लेकिन जब मामला चल रहा था पनामा केस का, जब एवन फील्ड का, जब वो मामला चल रहा था, तो उसमें पीटीआई का क्या कंसर्न? तो दरख्वास्त गुजार थे ना। देखिए, मेरी गुजारिश सुने, दरख्वास्त गुजार जो था वो एक बंदा था कि पूरी जमात थी। ये क्या बात हुई, यहाँ पे तो एक भी बंदा नहीं है ना दरख्वास्त गुजार। मामला ये है कि सियासत में गुजारिश सिर्फ इतनी, सियासत में जो मुखालफीन है उन्हें जब मौका मिलता है इस तरह का, तो फिर फुल पूरी तरह से उस पर खेलते हैं, तो वो मौका को हाथ से जाने नहीं देते। अगरचे अब मेरी जाती जो राय है, देखिए फैसला ठीक है गलत है वो तो कानूनी मामलात हैं, जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि अब इलेक्शन कमीशन ने भी फैसला कर लिया इंटर कोर्ट अपील में जाने का, वो तो जज साहबान जाने और कानून जाने। मैं जाती तौर पे बतौर इमरान यकूब ये समझता हूँ कि किसी भी पार्टी को उसके निशान से महरूम करना जमहूरियत के लिए नुकसान दे। आप ये ना समझें कि ये सिर्फ आज आपने पीटीआई के लिए किया है तो बड़ी आप बगलें बजा रहे हैं, कल को अगर मुस्लिम लीग नून के साथ हो, पीपल्स पार्टी के साथ हो, जो कि उनके साथ एक दफ़ा पहले हो भी चुका है, तो फिर आप क्या कहेंगे? तो ये कोई बात नहीं है। लेकिन जो कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उससे पीएमएलएन को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? क्योंकि बाहर तो ऐसा लग रहा है कि उनकी कमजोरी यहाँ हुई है। भाई, आप अगर ये बात करें कि उससे बैठ ना लो, तो तासुर ये जा रहा है कि आप वीक हैं, बल्ले के निशान से खौफ ज्यादा है, इस वजह से आप ये कह रहे हैं कि जी बैट वापस लो उनसे। नहीं, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अब देखिये मैं आपको उसकी वजह बता दू। पीएमएलएन ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए नहीं की कि वो खौफ ज्यादा है। पीएमएल इस बात से खौफजदा है कि जिन हलकों के साथ, जिन क्वार्टर्स में पीटीआई के मामला ठीक नहीं हैं, कहीं वहाँ पे कोई नरम गोशा पैदा ना हो जाए, तो ये उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये मेरे आपके लिए या पीटीआई के लिए नहीं थी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये था कि उनके आगे रोना रोते रहे कि नहीं हूं दोबारा ना लाडला बना लेना जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब। ये भी तो एक कमजोरी है ना, फिर इसका मतलब है पे रिलाय कर रहे हैं, तो वो इसलिए अपनी कमजोरी का इजहार कर रहे हैं कि भाई आप नहीं, मैंने तो का नाम ही नहीं लिया, ये तो आप कह रही हैं। फिर वो हल्के कौन से हैं? वो मुख्तलिफ हल्के हैं, वो अच्छा। जो भी हल्के हों, अच्छा। लेकिन गुजारिश ये है कि वो इस वक्त तो लड़ाई उनके साथ ही है। चलें, मैं चौधरी साहब की तरफ ले जाती हूँ मामला। चौधरी साहब, इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर रहा है, इससे तासुर क्या ये जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन एक फरीक बन गया है पीटीआई के खिलाफ? हालांकि अगर बैट मिल भी जाता है उन्हें, इंट्रा पार्टी इलेक्शन उनके बहाल भी कर दिए जाते हैं, तो इससे इलेक्शन कमीशन किस तरह से मुतासिर हो रहा है? देखिए, इलेक्शन कमीशन जो है फरीक तो वो जाहिर है, और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का और इलेक्शन कमीशन का आपस में जो एक बहुत ही मुखासमाना किस्म का एक ताल्लुक जो है वो पिछले 1.5-2 साल से रहा है। लास्ट टाइम पे जब जेल ट्रायल में भी इमरान खान साहब ने रोस्टम पे आके ये कहा कि आपकी खसूसी शफकत है मेरी पार्टी के ऊपर, आपने 175 पार्टियों का जो है इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं देखा, मेरी पार्टी को आपने देखा, फंडिंग आपने मेरी पार्टी की, तो उन्होंने कहा कि हर तरफ से जो है वो मेरी पार्टी के ऊपर, हमारी पार्टी के ऊपर आपकी खसूसी शफकत नज़र आती, तो उन्होंने बड़ा गिला किया वहाँ पर। तो इलेक्शन कमीशन जो है वो भी, मुझे 2-3 बातों की आपको ज़मीना मुझे समझ में नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन को बतौर इदारा भी अपनी गैर जानबदारी साबित करने की ज़रूरत है। एक तरफ वो जो है ये इतना पर्सनल ले लेते हैं कि वो अगर उन्होंने एक फ़ैसला किया, हाईकोर्ट ने मुअत्तल किया, तो आप उनको निशान दें, इलेक्शन हो रहे हैं, आप इलेक्शन करवाएँ। सुप्रीम कोर्ट में भी ये ऑब्जर्वेशन आई जज साहबान की कि आप इन द मिड ऑफ द इलेक्शन आप जाके तोहीने इलेक्शन कमीशन का केस करने चले जाते हैं जेल में, यानी जब आपको की कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए साफ शफाफ इलेक्शन कराने के ऊपर, आपकी तवज्जो जो है वो ऐसे मामलात के ऊपर है जिससे लगता है कि ज़ाती मुखासमत है। और
जहाँ तक बात रही कि मुखालफीन क्यों चीख रहे हैं, तो यहाँ पे ये अयां होता है कि अवामी रद्द अमल का खौफ है। उनका ये ख्याल है कि अवाम का रद्द अमल बल्ले के निशान से निकलेगा, लिहाजा जो सियासी तौर पे जो एक शिकस्त का इतराफ़ नज़र आता है इन पार्टीज की तरफ से, ठीक है, ये निकलेगा वाकई सिर्फ बल्ले के निशान से, या अगर नहीं बल्ले का निशान बरकरार रहता तो फिर इसमें कोई खलल आ सकता है। इस पर मैं आपसे अलग से राय लेती हूँ चौधरी साहब, लेकिन इस वक्त हमें सेनेटर हुमायूं मोमिन साहब ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज प्रोग्राम निकाला। सेनेटर साहब आपको खुश आमदीद कहती हूँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सेनेटर साहब, सबसे पहले अभी हम यही बात कर रहे हैं कि पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया उसके ऊपर अब इलेक्शन कमीशन जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने जा रहा है, ज़राए यही खबर दे रहे हैं, तो आपकी इसके ऊपर क्या आपकी राय है? क्या आपको लगता है कि ये फैसला बरकरार रहेगा, बल्ला आप ही के पास रहेगा, या फिर आपको लग रहा है कि अभी भी खतरे का निशान बाकी है? कई मानों में देखा जाए ना तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था उसको पहले चैलेंज किया था जून में, हमने उनको बताया कि ये बात हुई थी, हमें एक एफिडेविट एक तो हमने लिख दिया। अब सवाल ये पैदा होता है उन्होंने आईमा क्यों महफूज किया, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आईमा महफूज किया। और उसके बाद ऑडियो का जो मसला है, प्रोड्यूसर साहब, हाँ दोबारा हमायूं साहब एक मिनट सेनेटर साहब, हम आपको दोबारा मिला, थोड़ी ऑडियो का इशू आ रहा है तो फिर इंशाल्लाह आपसे दोबारा बात करते हैं। लेकिन चौधरी साहब, ये जो बात मैं हुमायूं मोमिन साहब से भी पूछ रही थी, आपको लगता है कि इसमें अपील के ऊपर कोई फायदा हो सकता है इलेक्शन कमीशन को? देखिए, मेरा ख्याल में कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में भी ना जाने का जो अंदिया दिया है इलेक्शन कमीशन में, उसके पीछे बाजार यही खौफ है कि उनको सुप्रीम कोर्ट से कोई रिलीफ की तोको नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल कि जिस तरह से इलेक्शंस में मिड ऑफ द इलेक्शन कोई भी जो जुडिशरी है या कोई भी जज जो है वो इंडिपेंडेंट माइंड कोई भी जो है वो ये चाहेगा कि एक बहुत बड़ी जमात जो है पाकिस्तान की आप उसको इलेक्शन से ही आउट कर दें। अगर वो आप फैसला पढ़ें, अब इतनी बेजा तनकीद ज़ाती तौर पर जाके तनकीद है और नूली का वतीरा बन गया है कि जो उनको फैसला पसंद नहीं आता वो जज साहबान को टास्क पर रख लेते हैं, ये उनके ख़िलाफ़ एक हर्जा सराई की जा रही है जज साहबान के ख़िलाफ़ कि जी वो फलां का रिश्तेदार है, वो फलां का रिश्तेदार है, मतलब ये बातें जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं वो की जा रही है। और हकीकत से ताल्लुक हो भी तो जज साहिबान भी कोई आइसोलेशन में तो नहीं है, जाहिर है इसी मुआशरे का हिस्सा है, कोई ना कोई किसी ना किसी का रिश्तेदार तो होता ही है, इस बात को फैसलों से जोड़ना तो एक अजीबोगरीब मामला है।